माल है क्या? हाँ लेकिन घर पर है, मैं बांद्रा में हूँ। मैं अमित को कह सकती हूँ अगर तुम्हें चाहिए। हाँ प्लीज। अमित के पास है, वो ला रहा है। हैश ना, वीट नहीं चाहिए। तुम कोको किस समय आ रही हो? 11:30 से 12 बजे। समय का खेल देखो बाबू भैया, समय का खेल। पहले एक्टर्स की पिक्चरों की डेट आती थी जी, अब देखो इनके कोर्टों की डेट आती है। इनके तो पूरे एल लग गए, वो भी बड़े वाले। ये क्या बात करते हैं यार? बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। पहले जब हम फिल्मों का रोस्ट करते थे तो हम डायरेक्टर से पूछते थे कौन सा माल फूक के फिल्म बनाए हो जी, और अब तो सारा डायरेक्टर तो डायरेक्टर, हीरोइन भी हीरोइन फूक रही है। न्यूज चैनलों पर भी काफी महीनों से तीन ही चीज चल रही है, रिया, दीपिका, सारा। देश में तो और कुछ हो ही नहीं रहा है, बस यही हो रहा है। दीपिका सारा रिया। लोगों की चैटें लीक हो रही है, हीरोइंस माल मांग रही है, और न्यूज चैनल वो तो क्या क्या टाइटल ला रहे हैं भाई साहब, गजब। चार हीरोइन एक सवार, किसने लिया माल? बॉलीवुड की मस्तानी, ड्रग्स की दीवानी, ड्रग्स का जाल, दीपिका मांगे माल। माल है क्या? बॉलीवुड में भूचाल है क्या? राइमिंग देख रहे हो, जावेद अख्तर साहब भी छुट्टी मांग के गांव निकल गए थे, बहुत मुश्किल से वापस लाया हूँ। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। आप टीआरपी और एड्स के लिए वैसे भी ये लोग तोहफे बांटते थे। तोफू कबूल करो, पर अब तो सारी हदें पार है, रिपोर्टिंग लेवल 100 चल रहा है। बारे में जानकारी मिली थी वो यही मिली थी कि दीपिका पादुकोण किस तरह से, दीपिका आगे वाली ब्लैक वाली गाड़ी, हम उसी के बिल्कुल बगल में वो गाड़ी हम लगाएंगे। और ये देखिए रिपब्लिक भारत इस वक्त दीपिका की गाड़ी के बगल में गाड़ी है। क्या दीपिका आप ड्रग्स लेती है? दीपिका पादुकोण बताइए क्या आप ड्रग्स लेती है? फिलहाल मर्सिडीज गाड़ी जो दीपिका पादुकोण। ओ भाई मारो मुझे। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ये देख के ना वीडियो बनाने का मन ही खत्म हो गया, क्या बोलते हो यार? वीडियो मौजूद आने का है, वीडियो रुको जरा, सबर करो। ठीक है भाऊ, कंटिन्यू करता हूँ। ये हुई ना बात। चलो यार एक और क्लिप देखते हैं। दीपिका पादुकोण और कौन में भिन्न रहा है, कौन दीपिका पादुकोण को बार बार कॉल कर रहा है कि दीपिका आप ड्रग यूज एडमिट मत करिए। करिश्मा और दीपिका इस बात पर हैं कि उनको ड्रग यूज एडमिट करना है। अगर ऐसा होगा तो कौन कंपनी के जितने भी पेरेंट स्टेक होल्डर कंपनी है उन तक गाज गिरेगी। अगली ब्रेकिंग न्यूज के लिए मैं सोहेल पे आऊंगा। सोहेल, अगली ब्रेकिंग न्यूज सोहेल। अबे थम जा जरा, थोड़ा सांस ले ले, इस बात को ये आराम से भी बोल सकता था। लेकिन नहीं, इसे तो सब एंगल से रिपोर्टिंग करना है, इसे तो पर्दा फाड़ना है। पर जरा कैमरामैन के बारे में भी सोच ले यार, वो भी सोचता होगा। मैं माता चोलू जो इसमें आया हूं। अब आते हैं अपने असली मुद्दे पर, बॉलीवुड पर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कुछ दिन पहले हमें करण जौहर की बनाई ये वीडियो मिली जहां इनकी आंखें देख के आप बता सकते हो कि ये लोग कितने हाई हैं। दीपिका को देखो, ये मलाइका अरोरा को देखो, भंड एकदम भंड। बोनी के लौंडे को देखो यार, चमक गया भाई, एकदम चमक गया। बाकी सब गया भाड़ में। पहले तो मुझे ये बताओ कि विकी कौशल यहाँ क्या कर रहा है। चल ये भी छोड़ो, ये बताओ कि विकी कौशल के बगल वाला ये लौंडा क्या छुपा रहा है? अगर आपको पता चला है तो प्लीज लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। लेटेस्ट ये पता चला है कि दीपिका पादुकोण इस ग्रुप की एडमिन थी है? हाँ, जिसमें गांजा हीरोइन की बातें की जाती थी। ए, पागल है क्या? हिंट तो इसने हमें बहुत पहले दे दिया था कि ये एनी टाइम गांजा चरस फूके रहती है, पर हम नादान परिंदे समझे ही नहीं। किसी राजनेता के बारे में बताएंगे जिसके आप बोलने के काम से आप ज्यादा प्रभावित हूँ। मैं पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा कुछ जानती नहीं हूँ, पर जो भी थोड़ा बहुत मैं देखती हूँ टीवी पे, राहुल गांधी जो कर रहे हैं हमारे देश के लिए, आई थिंक वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है, नौजवान जो हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, एंड आई थिंक होपफुली वन डे वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। आप चाहती हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री? जी बिल्कुल। ओ, गांजा।
इतना प्रॉपर हिंट दिया था, हम कैसे नहीं पकड़ पाए? धिक्कार है हम पर। न्यूज वाले तो यहाँ तक बता रहे हैं कि दीपिका पूछताछ के दौरान 3 बार रो पड़ी। वाह, कितना इम्पोर्टेंट न्यूज है, कतई लाइफ चेंजिंग। लिख लो तुम भी, यूपीएससी में ना सही, कल को केवीसी में ना आ जाए कि दीपिका पूछताछ के दौरान कितनी बार रो पड़ी। अब तो दीपिका ये भी कह रही है कि कुछ क्रिकेट की हस्तियां भी है शामिल। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये सुन के तो क्रिकेटर्स की धरती फट गई, आसमान फट गई और गांड फट के 4 हो गई। ठीक है, खास करके इसके तो लोड़े लग गए, लोड़े लग गए, लोड़े। यार मजाक मस्ती और टीआरपी को साइड में रखते हैं, आप मीडिया वाले तो गांड में ही घुस गए, आप लोग के लिए तो देश में और कुछ हो ही नहीं रहा है। शर्मो, शर्म करो, शर्म। WHO ने वॉर्न किया है कि कोरोना का सेकेंड वेव आने वाला है, पर आप लोगों ने मारा हुआ है उसे लौड़े पे। सेंट्रल मिनिस्टर की डेथ हो गई कोरोना के वजह से, पर कोई न्यूज ही नहीं दिखा रहा। 20 मिलियन जॉब चले गए, कोई कवरेज ही नहीं। और हमारे किसान प्रोटेस्ट पर बैठे, इन्हें भी मारा हुआ है लौड़े पे। ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा देश का हाल? किसी एक का तो हो रहे भोसड़ी के, किसी एक का तो हो। तैमूर की पॉटी, अक्षय का कुत्ता और सलमान के फार्म हाउस के बाहर भी एक दुनिया है जिसकी न्यूज इम्पोर्टेंट है। बात सच है। क्या लगता है आपको, कॉमेंट में बताइए। मैं चलता हूँ, मुझे न्यूज देखना है। आज रिया की पेशी है, देखना है उसे बेल मिलती है या नहीं। चल बोसड़ी। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। करोगे ना? नहीं। कर दो यार, माल फूक के कर दो, जैसे इसने कर दिया है, बॉलीवुड का मास्टरमाइंड। पर इसे भी कुछ तकलीफ है। सरकार से आपकी क्या क्या समस्या है? हाँ सर। हेलो, अरे सरकार से आपकी क्या क्या समस्या है? बोलिए क्या मतलब? अगला आदमी बोलेगा तब ना हम बोलेंगे। Been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio station.